वैशाली नगर विधानसभा के शासकीय हाई स्कूल हाउसिंग बोर्ड स्थित मतदान केंद्र में मतदान करने सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी रही। केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। मतदाताओं के मोबाइल सहित अन्य सामग्रियों को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर ही रखवाया था। वैशाली नगर विधानसभा के हाउसिंग बोर्ड स्थित मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदान करने सभी आयु वर्ग के लोगों की भीड़ लगी रही। इस वर्ष मतदान करने को लेकर सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था बनाई गई थी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा मतदान करने आए लोगों के मोबाइल सहित अन्य सामग्रियों को प्रवेश द्वार में ही रखवा दिया जा रहा था। मोबाइल लेकर अंदर प्रवेश करने की सख्त मनाही थी। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के मतदाताओं में मतदान करने को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिली। मतदान करने सभी आयु वर्ग के लोग यहां नजर आए। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान का व्यापक असर यहां देखने को मिला। पहली बार मतदान करने आए मतदाता काफी उत्साहित दिखे। मतदान करने आए मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी जिला और नगर निगम प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्था बनाई गई थी। मतदान करने आए कॉलोनी के रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो भी सरकार बने अच्छी बने, सबको लेके चले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और जिस उद्देश्य से सबने अपना अपना मत रखा है अगर उसको लेके अगर आगे बढ़े तो सभी कुछ अच्छा ही होगा। हमने तो दे दी जिसको देना था। देखिए, सरकार तो इससे पहले 5 वर्ष से पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी। हम यहाँ के निवासी हैं तो हमने वैसा तो कुछ विकास देखा नहीं था। अभी विगत 5 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार में काफ़ी ऐसा विकास देखा है, जैसे सड़कें हैं, पानी है, डोम टेस्ट है, सार्वजनिक स्थलों पे लोगों की सुविधाओं के लिए मंच बने हैं, सब हमने देखा है और काफ़ी कार्य हुए हैं। इससे तो नकारा नहीं जा सकता है। तो बाकी इस बार किसकी सरकार बनती है, क्या बनती है, तो जनता जनार्दन है, वो जिसको कहेगी वो सत्ता पे आएगी। बहरहाल, मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 3 दिसंबर को ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैशाली नगर का प्रतिनिधित्व करने को भेजा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।